हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर। स्टूडेंट, जैसा कि आपको याद है, हमने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम का जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के होते हैं, ओपन और क्लोज। और उसके अलावा हमने कुछ और टॉपिक आपको बताए थे, जैसे ब्लड का जनरल इंट्रोडक्शन आपको बताया था। ब्लड एक तरह का फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू होता है, ब्लड की पीएच कितनी होती है, और ये सब चीज हमने डिस्कस की थी। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ब्लड में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो बेसिकली हम ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ब्लड का एक पार्ट तो होता है लिक्विड पार्ट और एक होता है सेलुलर पार्ट। लिक्विड पार्ट मीन्स प्लाज्मा। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। एंड इट कॉन्स्टिट्यूट 55% ऑफ ब्लड। ये ब्लड का 55% कॉन्स्टिट्यूट करता है। और एक होता है सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेल्स। ब्लड की जो सेल्स होती है, ब्लड कॉर्पसल्स भी बोलते हैं इनको, या फिर कॉर्पसल्स का मतलब क्या होता है? सेल्स। या फिर इनका एक नाम और होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। इनको फॉर्म्ड एलिमेंट भी बोलते हैं। और ये ब्लड का कितना परसेंट होता है? 45% होता है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हो, ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है इसका लिक्विड पार्ट प्लाज्मा 55%, और एक होता है सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट मीन्स ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स मीन्स ब्लड सेल्स। और दूसरा नाम क्या होगा इसका? फॉर्म्ड एलिमेंट। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट प्लाज्मा की, प्लाज्मा में मेन क्या होता है? वाटर होता है। 90-92% तो वाटर ही होता है, और बाकी का जो 8-10% होता है, 8-10% इसमें डिजोल्व सबस्टेंस होते हैं। बहुत सारे सबस्टेंस ऐसे होते हैं जो डिजोल्व फॉर्म में होते हैं। और ये टोटल ब्लड का ये प्लाज्मा का कितना होता है? 8-10% डिजोल्व सबस्टेंस की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, डिजोल्व सबस्टेंस में कुछ तो इनऑर्गेनिक पार्ट होता है और कुछ ऑर्गेनिक पार्ट होता है। अगर इनऑर्गेनिक पार्ट की बात करेंगे, ये कितना होगा? 1-10%। और बाकी का जो 7-8% होता है वो क्या होता है? ऑर्गेनिक पार्ट होता है। वो क्या होता है? ऑर्गेनिक पार्ट होता है। इनको हम भी आगे डिस्कस करेंगे। जैसे ऑर्गेनिक पार्ट में ब्लड की प्रोटीन्स आ जाएगी और बहुत सारी स्ट्रक्चर आएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेलुलर पार्ट की, सेलुलर पार्ट में मेनली तीन टाइप की सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। ये रेड सेल्स होती है और ये व्हाइट सेल होती है, व्हाइट मतलब कलरलेस। और एक होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं स्टूडेंट आरबीसी और प्लेटलेट की, आरबीसी और प्लेटलेट का फर्दर कोई डिवीजन नहीं होता, फर्दर इसका कोई टाइप नहीं होता। लेकिन डब्ल्यूबीसी के दो टाइप होते हैं। डब्ल्यूबीसी के दो टाइप होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट का मतलब क्या होता है? ग्रेन्युलर वर्ड तो आता है ग्रेन्यूल्स के लिए, इनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रेन्युलर वर्ड किसके लिए आता है? ग्रेन्यूल्स के लिए। और एग्रेन्युलर वर्ड किसके लिए आता है? ए वर्ड आता है एब्सेंट के लिए। ग्रेन्युलर वर्ड किसके लिए आ रहा है? ग्रेन्यूल्स के लिए। और साइड वर्ड किसके लिए आता है? सेल के लिए। तो इनमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं और इनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर ग्रेन्युलोसाइट को भी हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसके भी तीन टाइप होते हैं। एक होता है बेसोफिल। बेसोफिल का दूसरा नाम क्या होता है? साइनोफिल। एक होती है एसिडोफिल। एसिडोफिल का दूसरा नाम क्या होता है? इओसिनोफिल। और एक आती है न्यूट्रोफिल। ये तीन टाइप किसके होते हैं? ग्रेन्युलोसाइट के, डब्ल्यूबीसी के टाइप है। और एक दो टाइप होते हैं एग्रेन्युलोसाइट। एग्रेन्युलोसाइट में एक तो आती है मोनोसाइट और एक आती है लिम्फोसाइट। तो स्टूडेंट ऐसे हम देख सकते हैं डब्ल्यूबीसी के टोटल 5 टाइप्स होते हैं। अगर स्टूडेंट बात करते हैं हम प्लाज्मा की, जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? स्ट्रॉ कलर होता है। प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर का होता है या पेल येलो कलर होता है, लाइट येलो कलर होता है और स्लाइटली एल्केलाइन पार्ट होता है। ये ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। और जैसे कि अभी आपको पता है कि ब्लड का जो कलर है वो रेड कलर होता है, लेकिन ब्लड का जो रेड कलर है वो आरबीसी के कारण होता है, रेड ब्लड सेल के कारण होता है। अगर हम ब्लड में से आरबीसी को निकाल दें तो ब्लड का कलर कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट होगा या फिर येलोइश, लाइट येलो कलर होगा या पेल येलो। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने लिखा भी है प्लाज्मा। प्लाज्मा स्लाइटली एल्केलाइन होता है, पेल येलो कलर्ड मैट्रिक्स पार्ट ऑफ ब्लड। मैट्रिक्स मतलब लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। और जैसे कि भी हमने आपको बताया था फ्लो चार्ट में, ब्लड का फ्लो चार्ट बनाया था, उसमें आपको बताया था इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पार्ट दोनों होते हैं। इनऑर्गेनिक पार्ट की अगर हम बात करते हैं, इनऑर्गेनिक पार्ट में क्या क्या रहेगा? बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड, सॉल्ट ऑफ सोडियम,
पोटेशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, सोडियम के, पोटेशियम के, कैल्शियम के, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट्स होते हैं। उसके अलावा और क्या क्या होता है, PO4, Mg, Cl, आयरन Fe, SCO3, ये सब अलग अलग टाइप के इसमें मिनरल सॉल्ट होते हैं। और जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम का ब्लड में क्या रोल होता है या कैल्शियम का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है। तो कैल्शियम का हमारी बॉडी में दो तीन जगह रोल होता है। एक तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, एक तो ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, एक ये सिनेप्टिक ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। जो हमारा इम्पल्स होता है जब वो सिनेप्स को क्रॉस करता है उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, उसमें हेल्प करता है। प्लस मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है उसमें भी कैल्शियम का रोल होता है। ये आपको आगे बताएंगे मस्कुलर सिस्टम वाले चैप्टर में। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक पार्ट की, ऑर्गेनिक पार्ट लगभग कितना होता है, 7-8% या फिर 8-9% भी मान सकते हैं इसको। इसमें क्या क्या आएगा, डाइजेस्टिव सबस्टांस, जब हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, जब हमारी इंटेस्टाइन में फूड फाइनली डाइजेस्ट होता है, तो डाइजेस्ट होने के बाद वो फूड कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, ब्लड में, ब्लड में, ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब होता है। तो प्लाज्मा में एक तो डाइजेस्टिव सबस्टेंस होंगे जैसे ग्लूकोज, जैसे एमिनो एसिड और विटामिन वगैरह होंगे। उसके अलावा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लाइक CO2, यूरिया, यूरिक एसिड भी होता है कुछ अमाउंट में, क्रिएटिनिन वगैरह, ये सब होंगे। इसके अलावा क्या होंगे, हॉर्मोन्स वगैरह भी होते हैं। उसके अलावा ब्लड में प्रोटीन होती है, ब्लड की मेनली 4 प्रोटीन होती है जो आपके सामने लिखा है, ब्लड की 4 प्रोटीन होती है। इनका सबका आपको रोल पता होना चाहिए, इन सबका क्या रोल होता है। तो ब्लड में मेनली 4 टाइप की प्रोटीन कौन कौन सी होती है, एल्बुमिन क्या करती है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करती है, हमारे ब्लड के ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन को, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने का काम करती है। और जैसे कि स्टूडेंट आपको याद होगा, एल्बुमिन प्रोटीन जो होती है वो एग में मिलती है, एग का जो व्हाइट पार्ट होता है वो एल्बुमिन प्रोटीन का बना होता है। उसके अलावा जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या करती है, हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम बनाती है, ये इन्फेक्शन वगैरह को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। और दो प्रोटीन आती है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होती है, ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, आगे हम ब्लड क्लॉटिंग का टॉपिक डिस्कस करेंगे, वहां पे आपको बताएंगे। अगर बात करते हैं स्टूडेंट ब्लड की सेल्स की, ब्लड में 3 टाइप की सेल होती है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, इनको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं RBCs की। RBCs मतलब रेड ब्लड सेल्स और कॉर्पसल्स, इनका दूसरा नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। जैसा कि हमने आपको बताया था, एरिथ्रो वर्ड किसके लिए आता है, रेड के लिए, और साइट वर्ड किसके लिए आता है, सेल के लिए। ये रेड कलर की सेल्स होती है और ये ब्लड की सबसे ज्यादा अबंडेंट सेल होती है। ब्लड में जो 3 टाइप की सेल मिलती है, आरबीसी, WBC, प्लेटलेट, उनमें सबसे ज्यादा नंबर किनका होता है, आरबीसी का। आरबीसी वाज डिस्कवर्ड बाय स्वेमल्डनम नाम के साइंटिस्ट ने इनको सबसे पहले डिस्कवर किया था। आरबीसी का जो साइज होता है, आरबीसी हमारी बॉडी की सबसे छोटी सेल होती है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, और इनका जो साइज होता है वो कितना होता है, 7.5-8 माइक्रोन तो इनकी लेंथ होती है, इनटू 2 माइक्रोन इनकी विड्थ होती है। लगभग 7.5-8 माइक्रोन तो लेंथ होगी और 2 माइक्रोन इनकी विड्थ होती है, हमारी बॉडी की सबसे छोटी सेल होती है। जैसे आपने पढ़ा है न्यूरॉन सेल हमारी बॉडी की सबसे बड़ी सेल होती है, तो सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, आरबीसी। आरबीसी का शेप कैसा होता है, ओवल एंड बाइकॉनकेव। आरबीसी का शेप कैसा होता है, ओवल एंड बाइकॉनकेव, बाइ मींस टू, कॉनकेव मतलब कॉनकेविटी। आरबीसी जो होती है वो दोनों साइड से कॉनकेव होती है, दोनों साइड से अंदर को दबी हुई होती है। इससे क्या होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उसके बाद आरबीसी जो होती है, मैच्योर मैमल की जो आरबीसी होती है, मैच्योर मैमलियन आरबीसी कैसी होती है, इनइम्प्लांटेड। जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स की जब आरबीसी इमैच्योर होती है तब तो उनमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाती है तो वो कैसी हो जाती है, इन्यूक्लेटेड, मतलब उसमें से न्यूक्लियस डिसअपीयर कर जाता है, और न्यूक्लियस के साथ साथ दूसरे सेल ऑर्गेनेल भी डिसअपीयर कर जाते हैं। किस लिए डिसअपीयर कर जाते हैं, टू प्रोवाइड मोर स्पेस टू द HB मतलब हीमोग्लोबिन को ज्यादा स्पेस प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद आरबीसी का जो नंबर होता है, आरबीसी का नंबर होता है 5-5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। पर मिलीमीटर क्यूब में 1 मिलीमीटर क्यूब कितना होता है, एक ब्लड की ड्रॉप में लगभग 5 से लेके 5.5 मिलियन आरबीसी पैक हो सकती है। इतना हाई नंबर हो सकता है, ब्लड की एक ड्रॉप में लगभग 50-55 लाख आरबीसी हो सकती है, 50-55 लाख आरबीसी हो सकती है, बिकॉज इनका नंबर बहुत
इनका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है और हिली एरिया में नंबर ज्यादा हो सकता है। हिली एरिया में नंबर कितना हो सकता है? 8 मिलियन तक जा सकता है जो हिली एरिया होते हैं, क्योंकि हिली एरिया में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, ऑक्सीजन कम होती है। जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे, ऊंचाई पे जाओगे, तो वहां पे ऑक्सीजन कम होती है, तो ज्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए, इनटेक करने के लिए आरबीसी का नंबर हाई होता है। फिर अगर हम बात करते हैं आरबीसी के नंबर में, दो वर्ड आते हैं, एक तो आता है एरिथ्रोसाइटोपिनिया और एक आता है एरिथ्रोसाइटोसिस और पॉलीसाइथीमिया। एरिथ्रोसाइटोपिनिया का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल रिडक्शन इन आरबीसी नंबर। आरबीसी का नंबर अगर एबनॉर्मली कम हो रहा है उसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइटोपिनिया। और एक आता है एरिथ्रोसाइटोसिस और पॉलीसाइथीमिया, इसका मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल इंक्रीज इन आरबीसी नंबर। अगर आरबीसी का नंबर बढ़ रहा है, नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है, तब उसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइटोसिस और पॉलीसाइथीमिया। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं आरबीसी के कलर की, आरबीसी का जो कलर होता है वो रेड कलर होता है, और रेड कलर जो होता है वो एक आयरन पिगमेंट के कारण होता है। आरबीसी के अंदर एक आयरन पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जिसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? एचबी। और एचबी का जो अमाउंट होता है, नॉर्मल एचबी का जो अमाउंट होता है वो कितना होता है? 12-16 ग्राम पर 100 ml ब्लड। 100 ml ब्लड में लगभग 12-16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर किसी पर्सन में इससे कम हीमोग्लोबिन होता है तो उसका मतलब वो अनहेल्दी है, उसको एनीमिया है। अगर ब्लड की डेफिशिएंसी होती है या हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एनीमिया। उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है बहुत सारी। फिर अगर हम बात करते हैं आरबीसी के प्रोडक्शन की, आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन एडल्ट में या बर्थ के बाद तो होता है रेड बोन मैरो में। एडल्ट में या बर्थ के बाद क्या होता है? रेड बोन मैरो में। और बर्थ से पहले एम्ब्रियोनिक लाइफ में, जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में आरबीसी का प्रोडक्शन होता है योक सैक में, लीवर में, स्प्लीन में, अलग अलग स्ट्रक्चर में होता है, लेकिन बर्थ के बाद रेड बोन मैरो में होता है। जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती है, लॉन्ग बोन्स की जो कैविटी होती है अंदर की, बोन मैरो कैविटी, उसके अंदर बोन मैरो होता है, एक लिक्विड होता है बोन मैरो, उसके अंदर होता है। और अगर हम बात करेंगे आरबीसी के डिस्ट्रक्शन की, जो पुरानी आरबीसी होती है, जो डेड आरबीसी, जो जिनका लाइफ स्पेन पूरा हो जाता है, आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 डेज होता है, तब उनको हम कहां पर डिस्ट्रॉय करते हैं? स्प्लीन। इसलिए स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोलते हैं, कब्रिस्तान बोलते हैं स्प्लीन को, वहां पे पुरानी आरबीसी टूटती है। फिर अगर हम बात करते हैं आरबीसी के फंक्शन की, आरबीसी का हमारी बॉडी में रोल क्या है, तो आरबीसी का मेन रोल होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, जैसे कि आपने इससे पीछे के चैप्टर में पढ़ा है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में आपने पढ़ा है। जो आरबीसी होती है, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ में ऑक्सीजन बाइंड करती है, मेनली ऑक्सीजन बाइंड करती है, लेकिन वो CO2 भी कैरी करता है, CO2 भी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर सकती है। तो आरबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज मींस O2 एंड CO2, इसमें भी मेनली O2 का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करती है। अगर स्टूडेंट हम बात करते हैं WBCs की, WBCs का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। WBCs मींस व्हाइट ब्लड सेल, और यहाँ पे जो ल्यूको वर्ड है, ल्यूको वर्ड भी किसके लिए आता है? कलरलेस के लिए या व्हाइट के लिए। तो जो WBC होती है, WBC का कलर कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस सेल होती है, इनको व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। एंड दे आर लार्जर देन आरबीसी, आरबीसी से इनका साइज बड़ा होता है लेकिन नंबर आरबीसी से कम होता है। अगर हम बात करते हैं WBC की, WBCs आर न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड होती है मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अमीबॉइड, अमीबॉइड का मतलब इनकी जो शेप होती है, इनकी शेप अमीबा की तरह होती है, इररेगुलर शेप होती है, शेप चेंज होती रहती है, और कलरलेस सेल होती है, और वांडरिंग सेल होती है। वांडरिंग का मतलब घुमक्कड़, इधर उधर घूमती रहती है, और इवन ये ब्लड स्ट्रीम के अगेंस्ट भी मूवमेंट कर सकती है। जो WBC होती है, WBC क्या करती है? ब्लड फ्लो के अगेंस्ट भी मूवमेंट कर सकती है। उसके बाद नंबर कितना होता है इनका? नंबर आरबीसी से कंपेयर करोगे तो बहुत कम होता है, इनका नंबर थाउजेंड्स में होता है, जबकि आरबीसी का नंबर किसमें होता है? लैक्स में होता है, 50-55 लैक्स। इनका नंबर होता है 6,000-8,000 पर मिलीमीटर क्यूब, यूनिट सेम होगी, 1 मिलीमीटर क्यूब में इनका नंबर कितना होता है? 6,000-8,000। और स्टूडेंट कभी कभी आरबीसी WBC का रेशो भी पूछा जाता है, तो आरबीसी WBC का रेशो कितना होता है? WBC आरबीसी का जो रेशो होता है वो 1:600 होता है। और फिर नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो अगर WBC का नंबर रिड्यूस होगा, WBC के नंबर में एबनॉर्मली रिडक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड ल्यूकोपीनिया, जैसे आपने वहां पे पढ़ा था एरिथ्रोसाइटोपिनिया आरबीसी में, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? ल्यूकोपीनिया। और अगर इसका नंबर राइज करता है, WBC का नंबर इंक्रीज करता है, उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस,
जैसे आपने इरिथ्रोसाइटोसिस पढ़ा था, और ल्यूकोसाइटोसिस कब होता है? इन्फेक्शन के टाइम, जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तब भी डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज करता है। और ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर, ब्लड में अगर कैंसर होता है तब भी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज करता है। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम बात करेंगे प्रोडक्शन की, साइट ऑफ प्रोडक्शन, डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन कहां पे होता है? लिम्फ नोड, हमारी बॉडी में लिम्फ नोड होती है, गांठेसी होती है, वहां पे होता है। पेयर पैचेस, पेयर पैचेस भी एक तरह के लिम्फ नोड होते हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं। स्प्लीन, स्प्लीन के अलावा थाइमस ग्लैंड, तो थाइमस ग्लैंड होती है चेस्ट में, टॉन्सिल होते हैं जो, ये भी एक तरह के लिम्फ नोड होते हैं। और बोन मैरो, अलग अलग जगह पे डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन होता है। और डब्ल्यूबीसी की अगर हम लाइफ स्पैन की बात करेंगे, इनका लाइफ स्पैन होता है लगभग 12 to 13 days, ये लगभग 1 week के आसपास होता है, कम टाइम होता है इनका लाइफ स्पैन, छोटा होता है। उसके बाद फंक्शन की अगर बात करेंगे, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन होता है दे फॉर्म डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम बनाती है, जर्म्स के अगेंस्ट, पैथोजेंस के अगेंस्ट, डिजीज के अगेंस्ट हमको प्रोटेक्ट करती है। और फिर स्टूडेंट एक टर्म आती है डाइपिडेसिस, एक टर्म आती है डाइपिडेसिस, जैसा कि स्टूडेंट मैंने भी आपको बताया था, डब्ल्यूबीसी जो होती है वो ब्लड फ्लो के अगेंस्ट भी मूव कर सकती है, तो एक मोमेंट आता है डाइपिडेसिस। डाइपिडेसिस का मतलब क्या होता है? डायबिटीसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी अक्रॉस द वॉल ऑफ कैपिलरीज, जो डायबिटीसिस होती है, डब्ल्यूबीसी जो होती है वो कैपिलरी की वॉल को क्रॉस करके बाहर आ सकती है, कैपिलरी की वॉल को जब वो क्रॉस करेगी तो उस मूवमेंट को बोलते हैं डायबिटीसिस। जैसा कि स्टूडेंट अभी हमने आपको डब्ल्यूबीसी के टाइप्स बताए थे जब आपको फ्लो चार्ट बनाया था, तो डब्ल्यूबीसी के दो मेन टाइप होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट को हम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइट भी बोलते हैं, पॉली मीन्स मैनी, पॉली का मतलब यहाँ पे क्या है, मैनी, मॉर्फो मतलब मॉर्फोलॉजी शेप, और न्यूक्लियोइड किसके लिए आ रहा है, न्यूक्लियस के लिए, क्योंकि इनकी न्यूक्लियस की शेप अलग अलग टाइप की होती है, इसलिए इनको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइट भी बोलते हैं। और ग्रेन्युलोसाइट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स का मतलब एक तरह के मॉडिफाइड लाइसोसोम होते हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें ग्रेन्यूल एब्सेंट होते हैं। फिर इसके तीन टाइप होते हैं, बेसोफिल, एसिडोफिल और न्यूट्रोफिल, जैसा कि भी हमने आपको बताया था। बेसोफिल का दूसरा नाम क्या होता है, साइनोफिल, एसिडोफिल का दूसरा नाम इओसिनोफिल, और न्यूट्रोफिल, और फिर एग्रेनुलोसाइट के दो टाइप कौन से होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो स्टूडेंट इनके मेन मेन फीचर हम डिस्कस करेंगे, इन पांचों टाइप की डब्ल्यूबीसी के मेन मेन फीचर की अगर हम बात करते हैं, तो इसको बेसोफिल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज स्टेन बाय बेसिक डाई लाइक मिथाइलिन ब्लू, इसको स्टेन करने के लिए, इसको कलर करने के लिए हम कैसी डाई यूज करते हैं, बेसिक डाई लाइक मिथाइलिन ब्लू। स्टूडेंट आपने सेल चैप्टर में पढ़ा होगा, हम सेल को स्टडी करने से पहले, सेल को माइक्रोस्कोप में स्टडी करने से पहले कलर करते हैं, स्टेन करते हैं, तो इसलिए इसको किससे स्टेन करते हैं, बेसिक डाई मिथाइलिन ब्लू लाइक, इसलिए इसको बेसोफिल बोलते हैं। इसको एसिडिक डाई से कलर करते हैं लाइक इओसिन, इसको एसिडिक डाई से कलर करते हैं लाइक इओसिन, इसलिए इसका नाम इओसिनोफिल भी होता है, और इसको न्यूट्रल डाई से कलर करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट पांचों टाइप की डब्ल्यूबीसी में जो सबसे कम नंबर में होती है, लीस्ट अबंडेंट कौन सी होती है, बेसोफिल, इनका नंबर कितना होता है 0.5 से लेके 1%, और मोस्ट अबंडेंट कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल, इनका नंबर होता है 60 to 65%, और बाकी अगर सेल की बात करते हैं एसिडोफिल का नंबर होता है 2 to 3%, इनका नंबर होता है मोनोसाइट का 6 to 8%, और लिम्फोसाइट का नंबर होता है 20 to 25%। और स्टूडेंट आप देख सकते हो जो मोनोसाइट होती है वो सबसे बड़े साइज की डब्ल्यूबीसी होती है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है मोनोसाइट, और स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है लिम्फोसाइट। उसके बाद अगर बात करते हैं स्टूडेंट हम न्यूक्लियस की, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो 2 to 3 lobed होता है, इनके न्यूक्लियस में 2 to 3 lobe होते हैं, या फिर इसको बोलते हैं एस शेप, आप देख सकते हो ये डब्ल्यूबीसी है, इसका जो न्यूक्लियस है वो रफली कैसा होता है, एस शेप का होता है, 2 to 3 lobe। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, बाइलोब्ड, बाइलोब्ड का मतलब इसमें 2 lobe होते हैं, आप देख सकते हो ऐसे करके 2 lobe होते हैं, और इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, मल्टीलोब, इसके न्यूक्लियस में बहुत सारे लोब होते हैं। इसका न्यूक्लियस स्टार्टिंग में तो राउंडेड होता है, बट बाद में कैसा हो जाता है, किडनी शेप, इनिशियली न्यूक्लियस कैसा है, राउंडेड, बट लेटर बिकम किडनी शेप, और इसका न्यूक्लियस तो राउंडेड ही होता है। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम बात करेंगे फंक्शन की, यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिखा है फंक्शन,
बेसोफिल का फंक्शन क्या होता है, बेसोफिल ब्लड की मास्ट सेल होती है। आपने कनेक्टेड टिश्यू पढ़ा होगा, कनेक्टेड टिश्यू में आपने मास्ट सेल पढ़ी होगी। तो ये जो बेसोफिल होती है ये ब्लड की मास्ट सेल होती है और इनसे तीन टाइप के अलग अलग केमिकल रिलीज होते हैं। एक तो होता है हिपेरिन, हिपेरिन नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है जो हमारी बॉडी में ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। स्टूडेंट आपको बताया ब्लड की प्रॉपर्टी है ब्लड बॉडी के बाहर आते ही क्लॉट करता है, लेकिन ब्लड बॉडी के अंदर क्यों नहीं क्लॉट करता, बिकॉज ब्लड के अंदर नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है लाइक हिपेरिन। एक होता है हिस्टामिन, हिस्टामिन एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। और एक होता है सेरेटोनिन, सेरेटोनिन क्या होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ये ब्लड वेसल को नैरो कर देता है, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है और एक तरह से ब्लीडिंग को, जो ब्लीडिंग होती है ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। अगर हम बात करते हैं एसिडोफिल की, एसिडोफिल का काम क्या होता है, एक तो इन्फेक्शन को रोकने का काम करती है और एलर्जी को रोकने का काम करती है। और अगर हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल की, न्यूट्रोफिल हमारे ब्लड की या WBC की मेन फैगोसिटिक सेल है। फैगोसिटिक सेल का मतलब ये जर्म्स को, बैक्टीरिया वगैरह को एनगल्फ कर जाती है, खा जाती है। और मोनोसाइट भी फैगोसिटिक सेल होती है, लेकिन अगर दोनों में से आपको एक चूज करना हो, मेन फैगोसिटिक सेल कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल, हालांकि मोनोसाइट भी फैगोसिटिक सेल होती है। और अगर हम बात करते हैं लिम्फोसाइट की, लिम्फोसाइट के दो टाइप होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का काम तो होता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एंटीबॉडी एक तरह की प्रोटीन होती है जो जर्म्स के साथ में फाइट करती है, जर्म्स को रोकने का काम करती है। और टी लिम्फोसाइट हमको देती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे 12th क्लास के जो चैप्टर आते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अगर स्टूडेंट अब बात करते हैं ब्लड की तीसरे टाइप की जो सेल्स होती है, थर्ड टाइप की जो सेल होती है वो कौन सी होती है, प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट। स्टूडेंट अगर आप देखते हो एनसीईआरटी में इसको गलत तरीके से लिखा गया है, एनसीईआरटी में लिखते हैं कि जो प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट होती है वो एक ही होती है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जो प्लेटलेट होती है, प्लेटलेट नॉन न्यूक्लिएटेड सेल के फ्रेगमेंट होते हैं। जो प्लेटलेट होती है वो प्लेटलेट क्या होती है, ये बड़ी बड़ी सेल्स के नॉन न्यूक्लिएटेड फ्रेगमेंट होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं नॉन न्यूक्लिएटेड। और जो थ्रोम्बोसाइट होती है, थ्रोम्बोसाइट न्यूक्लिएटेड सेल होती है। ये किसमें मिलती है, ये मैमल्स के अलावा वर्टिब्रेट की जो क्लास है, मैमल्स के अलावा वर्टिब्रेट की जो क्लास है जैसे पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टीलिया, एल्स वगैरह, उनमें मिलती है थ्रोम्बोसाइट। और जो मैमल्स होते हैं मैमल्स में मिलती है प्लेटलेट, लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखते हैं कि प्लेटलेट का ही दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट है। एनसीईआरटी इसको एक तरीके से गलत तरीके से रिप्रेजेंट करती है, बट आपको याद रखना है एक तरीके से प्लेटलेट स्पेशली मैमल्स में मिलती है और थ्रोम्बोसाइट मैमल्स के अलावा जो वर्टिब्रेट होते हैं उनमें मिलती है। तो अगर हम बात करते हैं प्लेटलेट की, दे आर नॉट द रियल सेल, दे आर नॉट द रियल सेल, इवन दे आर द फ्रेगमेंट ऑफ लार्ज सेल। ये रियल सेल नहीं होती है, ये बड़ी बड़ी सेल के, बड़ी सेल को क्या होते हैं, इनको मेगा कैरियोट्स, ये बोन मैरो में होती है, मेगा कैरियोट सेल के छोटे छोटे फ्रेगमेंट होते हैं। दे आर नॉट द रियल सेल, इवन दे आर द फ्रेगमेंट ऑफ लार्ज सेल मेगा कैरियोट। मेगा कैरियोट बड़ी साइज की सेल होती है, उनके टुकड़े होते हैं। अगर हम बात करते हैं प्लेटलेट की शेप की, तो प्लेटलेट की शेप ओवल होती है, राउंडेड होती है, रॉड लाइक होती है। अगर हम बात करते हैं इनके नंबर की, प्लेटलेट का नंबर होता है आरबीसी से कम और WBC से ज्यादा। प्लेटलेट का नंबर आरबीसी से तो कम होगा, लेकिन प्लेटलेट का नंबर WBC से ज्यादा होगा, मतलब 1.5 से लेकर 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब इनका नंबर होता है। और फिर दो कंडीशन आती है, थ्रोम्बोसाइटोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब नंबर इंक्रीज होना और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब नंबर का डिक्रीज होना। जैसे प्लेटलेट का या थ्रोम्बोसाइट का नंबर डिक्रीज कब होता है, डेंगू फीवर में, डेंगू फीवर में इनका नंबर कम हो जाता है। और फिर अगर हम बात करते हैं लाइफ स्पेन की, इनका लाइफ स्पेन 3 to 10 days के आसपास इनका लाइफ स्पेन होता है। और अगर हम बात करते हैं फंक्शन की, प्लेटलेट का फंक्शन क्या होता है, इनसे बहुत सारे टाइप के केमिकल रिलीज होते हैं, आगे हम ब्लड क्लॉटिंग में पढ़ेंगे, ब्लड क्लॉटिंग में अलग अलग टाइप के केमिकल रिलीज करने का काम करती है। तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। तो ऐसे करके स्टूडेंट ये ब्लड के मेन मेन कंपोनेंट कंप्लीट होते हैं, ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ब्लड का क्या फंक्शन होता है, ये सब टॉपिक कंप्लीट होते हैं।